मैं लोगों के लिए
तो पीछे वाले आगे आ रहे हैं, पीछे वाले से आगे जो बैठ नहीं सकते फ्लोर पर तो आवाज नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, मुझे लेक्चर नहीं करेंगे। और वॉलंटियर पीछे सबको शांत रखने के लिए ये वॉलंटियर और वॉलंटियर क्योंकि टॉप मोस्ट
अत्यंतिक कल्याण अत्यंतिक आर द टॉप मोस्ट सबसे श्रेष्ठ। तो जन सामान्य का सबसे श्रेष्ठ कल्याण जल्दी से जल्दी कैसे हो वो हमें शॉर्ट में बता दें। कितने शास्त्र कितने गुरु तो हमें ये सब करने में सारी उम्र चली भी जाए निष्कर्ष पर ना भी आए। और भैया कहते मित्र तो हमें ये बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बता दें। तो शौनक ऋषि कहते हैं हमको कि पुंसाम एकां ततः श्रेय पुरुषों का मनुष्यों का एकांतिक कल्याण क्या है। पुंसाम एकांत ततः श्रेय तन्मे अर्हसि तन्मे अर्हसि। तो उनका जवाब देते हैं कि सवै पुंसो परो धर्मो यतो अर्हसि अनोषजे अहेतु प्रतिहतरा या आत्मा सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्धति संपूर्णतया तृप्त। आत्मा को और कुछ करने की जरूरत नहीं है संपूर्णतया कोई पैसों से तृप्त कोई पति पत्नी से तृप्त कोई हजार प्रकार से तृप्त होना चाहते हैं बिजनेस वगैरह पढ़ाई तृप्त होना चाहते हैं लेकिन यह तृप्ति कुछ दिनों तक चलती है ना। PhD हो गए जो आखिरी डिग्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD कर ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा भी दी हम सब ने लगा दी इन्हों ये फोन मेरा फोन को ले लिया चोरी का। तो फोन पर हम डिपेंडेंट है अभी है जो भी हो तो इंटेलिजेंस तो लगी गई लेकिन इनसे कल्याण नहीं होगा। तो ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन हमारी हम तृप्त तभी हो सकते हैं जब हम श्री कृष्ण की आयु की और सतत कोई भी प्रकार के हेतु बिना अपेक्षा बिना इच्छा बिना क्योंकि इच्छा से भक्ति करोगे इच्छा पूर्ति नहीं हुई दुखी। भगवान हमारी लायकात के मुताबिक इच्छा पूर्ति कर भी दे ना भी कर दे हमारे कर्मों के मुताबिक उनके हाथ गंदे हुए हो तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते भगवान क्योंकि हमारे कर्मों में ये नहीं था। तो भगवान कहते हैं सॉरी इंग्लिश आती है हमको
लेकिन थोड़ा सा भगवान इधर उधर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। इसीलिए भगवान भी कई बार हताश हो जाते हैं कि इनका कल्याण कैसे करूं। तो कभी कभी दिखाई देता है कि भगवान हमें बहुत दुख देते हैं, है ना? तो भगवान दुख नहीं देते, हमारे कर्म दुख देते हैं, लेकिन भगवान हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें सहाय करने के लिए हेल्पलेस। माँ बेटे बच्चा के विदेशी प्रेम सब कुछ है, लेकिन बच्चा अगर सिख है या कुछ हड्डी पर्सन टूट गए क्या कुछ हो गया तो मैया हेल्पलेस हो जाती है, डॉक्टर ही करनी पड़ेगी। मैं चाहती है कि मैं हेल्प कर दूँ। इसी तरह कृष्णा सबकी माँ है। तो भगवान चाहते हैं हमारा सबका कल्याण। तो इसीलिए हमें श्री कृष्ण की सेवा अहेतु की करनी होगी, कोई भी प्रकार की इच्छा के बिना। जैसे इच्छा की भौतिक, क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा बल देगी लेकिन भौतिक इच्छा बांध देगी, क्योंकि हम भौतिक नहीं है, हम भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक जगत हम नहीं है, हम आत्मा है और चाहते हैं भौतिक चीजें। ध्यान दो, हम आत्मा है और चाहते हैं भौतिक चीजें। हम आत्माओं का जीवन है आध्यात्मिक जीवन। आत्मा का स्वाभाविक जीवन क्या है? क्या है आध्यात्मिक जीवन? क्या है पीछे वाले कुछ और सोच रहे हैं। हमारा स्वाभाविक जीवन कौन सा है? और हम जी रहे हैं भौतिक जीवन। इसलिए जैसे कि मछली पानी, मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, तो मछली को बाहर निकाल के खाना, सोने का रहना, सोने का पीना, सोने का पहनना, सब कुछ सोने का, लेकिन पानी से बाहर। तो मछली क्या करेगी? तड़पेगी, तड़पेगी। तो हम ये भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? तड़प रहे। क्यों? क्योंकि हम हैं आध्यात्मिक, जी रहे हैं भौतिक। हमारी मछली पानी से, किसकी मछली पानी से बाहर रही है? किसकी मछली पानी से बाहर? इनकी नहीं है, लेकिन ये बता रही एग्जाम्पल, महाभारती की मछली, महाभारती राधा जी की मछली पानी की गहराई में है। धन्यवाद इनकी तरह आपको बनना है पक्का, है ना? हम अधिक अच्छे, लेकिन ये पक्की है।
इनकी मछली कहाँ है? पानी में है। और हम सबकी मछली बाहर। मेरे बेटे को दुख, मेरे पगार में कुछ बरकत नहीं, मेरे बिजनेस में कोई बरकत नहीं, मेरे रूप में कोई बरकत नहीं, मेरी शादी में कोई बरकत नहीं, मेरा हस्बैंड या वाइफ गलत है, विच्छेद हो गया। बड़ा लिस्ट। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी, लेकिन सुखी हरि का दास। एक ही जन सुखी हो सकता है, वो हरि का दास। वो कैसा होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है सतत, कॉन्स्टेंट, हमेश भक्ति में वो तल्लीन रहेगा। भक्ति में तेल धारावत, सतत अहेतु की अप्रतिहता। ये आत्मा, ये न आत्मा सम सम प्रसिद्धति, प्रसिद्धति तुष्ट पुष्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे तृप्त हो जाएगा? सम संपूर्णतया तृप्त। उनको कोई अपेक्षा रहेगी नहीं, उनका जीवन में कुछ हासिल करना रहेगा नहीं, उनका जीवन धन्य धन्य तृप्त हो जाए। तो तृप्ति जिनको चाहिए उनको कम से कम दो घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। कौन चाहता है कि अपनी मछली पानी में हो? आपकी मछली पानी से बाहर चाहिए? इन लोगों की, अरे हाथ खड़ा कीजिए ऐसे ऐसे। तो सोलह वाला कौन करेगा? आप नहीं करोगे। है ये कच्चे लोग हैं, इधर कच्चे हैं। सोलह वाला किसी मछली पालना चाहिए तृप्त। तो ये रीत है भागवत जो वैदिक साहित्य का रायपन रस से भरपूर परिपूर्ण ग्रंथ है। और उन भागवत में पहला सवाल है पुंसान एकांत से पुरुषों का जन सामान्य का एकांतिक कल्याण कैसे हो? और उनका जवाब क्या है? सवई पुंसो परो धर्मो यदो भक्ते अधोक्षजे आहे तू की अप्रतिहता। तो अप्रतिहता में 24 घंटा। अप्रतिहता का अर्थ क्या? 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा शायद आपसे ना हो, तो 2 घंटा। तो 2 घंटे के लिए तो आपको तृप्त होना है, मछली फिर से पानी में चाहिए, तो मौज मजा है ना। भक्त जितनी गहराइयों में मौज करता है, इनका मापदंड अभी किसी ने खोजा नहीं। क्योंकि जैसे मापदंड 25 इंच, 50 इंच, 100 इंच, 100 फीट, तो और गहराई में जाना पड़ेगा उनको, तो उनकी उनका मापदंड नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। किसका अनुभव है? थोड़ा सा अनुभव किसका है? ये किसका अनुभव है कि भक्ति में जो मस्ती है वो कभी उतरती नहीं और चढ़ती है, हमेशा उतरती नहीं? वेरी गुड। तो 16 माला वाले हैं सब, ये सब 16 माला वाले हैं।
शिक्षा दृष्टि से लिए उनको 16 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि और भगवान के सामने आप लोग प्रॉमिस करते हो। तो दीक्षा लेने के बाद कौन 16 नहीं करता है यहाँ खड़ा कीजिए। दीक्षा लेने के बाद 16 कौन नहीं करता है? सब करते हैं। दीक्षा कितने लिए है? दीक्षा अरे हुआ, मैंने सोचा नए लोग हैं यहाँ ज्यादा, तो मैंने गलत लेक्चर शुरू किया। तो ये 100% लेक्चर आपकी मछली फिर से पानी में डाल दो तो आनंद ही आनंद, प्रमोद ही प्रमोद। किसी को कोई सवाल? सवाल के लिए लंबा मैंने समय रखा है, लेक्चर भी और भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो कॉर्डर्स हैं। तो जिनको सवाल हो लिखो या यहाँ आके सवाल करो। एक मिनट क्या हो गया? हाँ महाभारत शाबाश, आपको धन्य धन्य हो। किसी को कोई सवाल? कोई और सवाल? किसी को सवाल? उनका अनुभव है, अनुभव है, आगे आएंगे। क्या अनुभव है बताइए। मैं 2000 से पहले बिल्कुल भक्ति नहीं करती थी, हाथ भी नहीं जोड़ती थी भगवान के आगे। मैं जॉब करती हूँ, खेती में करती थी, रिटायर हो चुकी हूँ मैं, 2 साल हो गया मुझे रिटायर हो गए। 15 हस्बैंड के हाथ में सैलरी देती थी, मैं कुछ हाथ में ले नहीं था। लेकिन भगवान जैसे कहते हैं ना, सीधे लोगों को एक ठोकर जरूर लगाते हैं, खड़े हो गए। बेटियाँ दो मिली, उनकी शादी कर दी, बिकॉज उसकी शादी से 7-8 साल पहले कुछ नहीं था। तो ठोकर भगवान इसलिए लगाया कि मतलब मेरे को इनकम टैक्स से कटने के लिए, इतना आपको भी इनकम टैक्स आया तो आप कुछ सेविंग करो। सेविंग की मैंने, सेविंग मेरी 7-8 हज़ार सैलरी थी, तो मैंने 7-8 हज़ार सीधा उसको सेविंग कर लिया, नजदीक चिन पे लगवाना। लेकिन घर में बहुत झगड़ा हुआ, हस्बैंड ने इतना झगड़ा करा कि मेरी सैलरी पे ही जैसे डिपेंडेंट हूँ, मतलब उसके बाद से मेरी इलेक्शन बाजी हो गई। लेकिन भगवान का मैं सोचती हूँ, वो मेरी ठोकर मेरे लिए सबसे बड़ी थी कि 8 साल के बाद मेरे पीएफ में इकट्ठे होने पैसे शुरू हो गए, तो मैंने बेटी की शादी 8 साल के बाद कर दी। ये भगवान की ठोकर थी मेरे लिए, लेसन था कि तुम खड़े हो, ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे कि दीक्षा ले ली और 16 चार नियमों का पालन करते हैं, एक तो वो, मैं औरों के लिए नहीं पूछ रही, और एक होता है कि जो प्रचार भी कर रहे हैं, तो दोनों का एक जैसा ही वो है कल्याण है, ये थोड़ा सा बताना चाहिए, जिससे कि प्रचार की भावना लोगों में आए, वो खाली फिर वो उसी पर टिके रहते हैं। श्रीला प्रभुपाल ने सवाल ये है कि हम प्रचार 24 करें और माला न करें,
कोई प्रचार करता है माला नहीं करता, कोई माला करता है हाँ, तो इनका ऑफ कोर्स प्रचारक का दोनों माला तो कर ही रहे, इक्वल हो गया और ऑन टॉप प्रचार, तो प्रचार करने वाले भक्तों का भगवान पहले ख्याल करते हैं, प्रचार करने वाले भक्तों का, क्योंकि हमने हमारा जीवन धन्य धन्य बना लिया और प्रचारक उनका धन्य जीवन हुआ, दूसरों का भी धन्य जीवन करता है, तो इसलिए प्रचार प्रभुपाद जी ने ये प्रचार किया, तो देखो हम सब लाइन में लगे है ना, नहीं तो फिर हम भी घूम रहे थे, भक्ति करते हैं लेकिन कोई दिशा नहीं मिलती, ये संप्रदाय, दीक्षा मीन्स संप्रदाय से जुड़ना, गुरु से खाली गुरु से, गुरु हमें संप्रदाय से जोड़ता है, गुरु परंपरा से जोड़ता है, गुरु ये गुरु की लाइक आते, तो ऑफकोर्स प्रचारक भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, उसमें कोई भी शंका न लाए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, आपने नाम सुना होगा, नरोत्तम दास ठाकुर, जैन श्रीनिवास आचार्य एंड श्यामानंद पंडित, ये तीनों की जोड़ी थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करते थे ये तीनों, तो उनका स्कोर हर रोज जीव गोस्वामी को भेजना होता था, कैसे भेजते होंगे पता नहीं, लेकिन वो भगवान कहाँ है, भव्य भगवान यहाँ नहीं है, तो भव्य भगवान ने मुझे एक टेलीग्राम निकालो, तो उसमें स्कोर आया है, स्कोर नरोत्तम दास ठाकुर की चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका का वितरण कितना हुआ, और माधुर्य कादम्बिनी का वितरण कितना हुआ, तो पूर्ववर्ती आचार्यों से चलती आई ये प्रथा है, पूर्ववर्ती आचार्य, और प्रभुपाद जी कहते हैं टू ज्ञान दस भागवतम टू चैतन्य भागवत 45, चैतन्य चंद्रामृत 5, गौरांग पदावली और विष्णु वासुघोष 34 बुक्स, और श्यामानंद प्रिय नरोत्तम दास ठाकुर ने एक दिन में वितरण किया, और श्यामानंद पंडित ने 4 ज्ञानदास सॉन्ग, 10 गोविंददास सॉन्ग, 11 अदर सॉन्ग, 34 नरोत्तम दास प्रार्थना, 16 भक्ति रसामृत सिंधु, 5 उज्ज्वल नीलमणि, सॉरी एक उज्ज्वल नीलमणि, चैतन्य भागवत 25, चैतन्य चंद्रामृत 15, गौरांग पदावली वासुघोष 14, तो स्कोर है पुराना, मैंने ये ऑफिशियल ग्रुप में डाला था, किसने पढ़ा है, बस यहाँ ऑफिशियल ग्रुप में कौन ज्वाइन नहीं है, हू इज नॉट इन माय ऑफिशियल ग्रुप, क्या आप चाहोगे ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन होना, ठीक है, तो आप इन दोनों को मिलो, प्रिय सका प्रभु एंड सच्ची जीवन प्रभु एंड केशव क्या
केशव कासमीरे अरे कृष्ण कीर्तन केशव कासमीरी का नाम देना चाहिए। ओके तो इन तीनों को मिलो, अगर आप मुझे मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप लोग तो आप ही हो, आप ऐड नहीं कर सकते ना, ऐड एक ही कर सकते हैं। टेम्पररी इन लोगों का नाम लेकर निकाल दो, तो इन तीनों को मिलो। हाँ और कोई सवाल एनी क्वेश्चन? यस महाराज, हम बुक तो दे देते हैं महाराज, हम बुक तो बांट देते हैं, बुक तो बांट देते हैं, बुक तो बांट देते हैं, पर वो कुछ तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी बुक्स के टाइम बॉम्ब जैसी है, तो आज भी तो नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन वो उठाएंगे, उनका बाप उठाएगा, पिता उठाएंगे, फिर पत्नी उठाएगी, मम्मी उठाएगी, कोई भी उठाएगा, वो खुद भी उठाएगा, अरे दुखी हो जाएगा, तो लेट्स सी ये बुक में क्या लिखा है, तो इट्स लाइक ए टाइम बॉम्ब, एक दिन उनके हृदय में विस्फोटित होगी, तो ये बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, उनका दर्शन करने से पवित्र हो जाता है, उनका टच करने से पवित्र हो जाते हैं, तो ऐसी मेरी भी बुक है कि उनका भी वितरण हमें ऐसे ही करना चाहिए। 20 बुक मैंने अभी तक प्रिंट की है, ऑनलाइन में है। यस यस वो कह रहे गीता मैं अपनी जेब में हमेशा रखता हूँ और पढ़ता हूँ, जेब में रखता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, वेरी गुड। किसी को पढ़ी है इनकी देर, उनकी देर लेट हो गई, तो जल्दी पढ़ लें और बाद में उनका देहांत हो गया। टाइम का कोई भरोसा नहीं, अभी माला कर लो, तेरी एक एक पल जाए लाखनी, तू तो माला रे करी ले मेरे राम ने, है ना? कोई मुआ के संगात कोई जातु न थी रे, बाद में पता नहीं मुआ के संगात कोई जाता, मुझे बोलती थी कि कल्पना मुआ के संगात कोई जातु न थी रे, कोई जातु न थी, हमारो बाप ने हमारी माँ हमारी स्त्री ने हमारा पुत्र कोई साथ में नहीं जाता, जो स्त्री होती है वो दरवाजे तक जाती है और दूसरे जो होते हैं वो स्मशान तक जाते हैं, लेकिन कोई साथ में नहीं जाता। तो एक बार मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जैसे एरोप्लेन होते हैं ना, तो उनको कोई तकलीफ होती है तो दूसरा एरोप्लेन हेल्प नहीं करता, ऐसे हमें भी हमारा खुद का एरोप्लेन चलाना है। तो खुद का भक्ति का खजाना खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई और सवाल? यस महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि
ईशोपनिषद में हम पढ़ते भी हैं कि भगवान से जो भी निकलता है और जो भी है भगवान का एक्सपेंशन, वो सब कुछ पूर्ण है, भगवान की तरह ही पूर्ण है और आनंदमय है सब कुछ, भगवान के अंश सब आनंदमय है। तो ये भौतिक जगत भी भगवान से ही एक तरह से निकला है, तो ये भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक करेक्शन सेंटर है, जेल है, जेल है। जेल में जेली को मार मार के पीट पीट के उनको करेक्ट किया जाता है, सीधा बनाया जाता है। अंधेरी कोठरी में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो ये जेली, हम सब जेली हैं, हम सब जेल में हैं। और जेल का काम है हमें करेक्ट करना। तो जेल की कांस्टेबल है, इंचार्ज है दुर्गा महाकाली। महाकाली ये जेल की कांस्टेबल, जेल में जो जेली है, जेल में कैदी हैं, उन लोगों को सीधा करेक्ट करने का काम दुर्गा करती है। उनके हाथ में त्रिशूल है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व रजस तमस से वो जीवों को करेक्ट करती है। और करेक्शन क्या है? उनका मुंह श्री कृष्ण की ओर मोड़ना और कृष्ण की ओर उनको चलाना। तो चलाते चलाते जेल में वो सीख जाएगा कृष्ण की ओर चलना और बाद में चुप। तो ये जेल है, भौतिक जगत है, करेक्शन सेंटर है। और यहाँ करेक्ट क्या किया जाता है? भगवान से उन्मुख हमें किया जाता है। यस अबू भाई, और कोई सवाल? देखो जी, आप अगर मैनेज करना चाहते हो तो बिल्कुल सरल है। अगर मैनेज नहीं करना चाहते हो तो भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें इंग्लिश में बोलते हैं, वी डोंट वांट टू रॉक आवर बोट, यू नो, बोट को रॉक करने की जरूरत नहीं। सीधी सीधी पानी में, जैसे पानी संग नाव छाया, यू नो, हमारे साथ छाया भी धीरे धीरे हमारे साथ चलती रहती है ना, बोट भी पानी के साथ चलती रहती है। उसी तरह हमें भी दोनों परिस्थितियों में चलते रहना है। डोंट रॉक योर, आप दुखी ना हो। भक्ति की सबसे पहली खासियत क्या है? सुबदा, क्लेश अग्नि, क्लेशों को शुद्ध भक्ति क्या करती है? काटती है और सांद्र आनंद देती है, सॉलिड आनंद, मतलब संपूर्णतया आनंद, आनंदा बुद्धिवर्धनम, आनंद रूपी समुद्र का वर्धन करती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, अम्बुधि सागर, आनंद का सागर बढ़ाती है शुद्ध भक्ति। तो हमें रॉक ने बोट को हिलाना नहीं है, धीरे धीरे चलते रहो, भक्ति भी करते रहो और भौतिक भी थोड़ा करते रहो, आखिरी में सारी झंझट छूट जाएगी। आखिरी में कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, बुआ के संगात कोई जातु नथी रे, आ मारो बाप छे, मैं आ मारो, मारी माँ छे, मारो
दीकरो छे या मारो पुत्र छे, ये मारा महल है, ये मेरा एस्टेट है, सब छूटेगा। हम छूटेंगे पहले या वो छूटेगा, कुछ भी छूटेगा। तो चलते रहो, चलते रहो। भक्ति में भी भक्ति अगर बाधाएं डालते हैं कोई, तो छुप छुप के भी भक्ति हो सकती है, छुप के भी भक्ति हो सकती है ना। बेडरूम में चले जाओ, हालांकि हम कॉमन लिए बोलते नहीं हैं, लेकिन भगवान का नाम हमारे परम गुरु के गुरु यू नो तटिया स्थान में करते थे, है ना। भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं, भक्ति कहीं भी करनी है तो कर सकते हैं। अच्छा, और क्या महाराज, एक छोटा सा सवाल था। जैसे हम सुबह अपनी माला करते हैं, जब हम सुबह अपने राउंड शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद जब हम ऑफिस जाते हैं, तो पहले एक दो घंटा तो माइंड थोड़ा कॉन्शियस रहता है कि भगवान से रिलेटेड, बट दो घंटे के बाद एक ऐसा फेज आता है जो 7-8 घंटे का जो ऑफिस है, उस समय कुछ और याद नहीं होता, सिर्फ वो जो काम आपका है, आपका माइंड पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व है। उस समय ना तो घर वाले याद है, ना कुछ और याद है, इतना ही फाइन है। आपका मोबाइल चार्ज कर लो एक दो घंटा, सारा दिन चलेगा उसी तरह। दो घंटा चेतना को शुद्ध कर दे, चेतना शुद्ध रहेगी सारा दिन, और भगवान कृष्ण नोटिस करते रहेंगे। लेकिन दो घंटा कृष्ण के लिए वॉलंटियरली टेकिंग इंस्टेंट संन्यास, दो घंटा कुछ नहीं, खाली नाम, तो सरचार्ज हो जाओगे, कॉन्शियसनेस चेतना आपकी कृष्णमय हो जाएगी। बाद में जो भी, जैसे गोपियाँ, उनकी चेतना कृष्णमय थी, तो कोई माखन लो मोहन लो, कोई माखन लेते बेचती थी माखन, और कृष्ण को आपकी चेतना से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बैटरी चार्ज कर दो, दो घंटा काम बन जाएगा। और कोई सवाल? यस महाराज जी, हम पढ़ते हैं दिव्य ज्ञान पुस्तक में कि हम जो जितने भी जीवात्माएं सब आध्यात्मिक जगत से आई हैं, तो और कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो जाता है मतलब वो कृष्ण के प्रति पूरा समर्पित होता है, और उसके कॉन्शियस में हमेशा कृष्ण है। तो ऐसी भावना एक जीव में कैसे आ सकती है जब वो कृष्ण के मतलब कृष्ण में पूरा उसने अपना आत्मनिर्भर का समर्पण कर दिया, जब भी उसके अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है कि भगवान क्यों मालिक है, हम क्यों मालिक नहीं है, तो इस कारण से हमारा पतन हुआ, तो भगवान के धाम जाने के बाद भी ऐसी भावना कैसे आ सकती है? ये भगवान के धाम जाने के बाद हम हमारी स्वाभाविक चेतना में स्थित हो जाते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो दो घंटा पढ़ना है तो ये चेतना में आप स्थित हो जाते, दो घंटा मुझे पढ़ना है, उसी तरह वहाँ हम स्थित हो जाते हैं हमारी सेवा में। तो वो सेवा करते 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 हम स्थाई भाव में आ जाते हैं, स्थाई भाव। बाद में हमें यही करना अच्छा लगता है और कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी भी कुछ भी चेतना से हम श्री कृष्ण से कंपटीशन करने लगेंगे, मैं भी भोगता हूँ, तो ये आपका फॉल डाउन है। लेकिन ज्यादातर वहां से फॉल नहीं होता, क्योंकि स्थायी भाव में हम स्थित हो जाते हैं, हमारी सेवा में हमें आनंद का वर्धन होता जाता है, इसलिए वो सेवा न छोड़ना चाहते हैं, न वो सेवा से
हम वंचित होना चाहते हैं। और कोई सवाल? देखो जी, समय हो उनके मुताबिक चलना चाहिए ना, कि समय से उल्टा चलना चाहिए? समय के मुताबिक चलना चाहिए ना? तो हमारे गुजराती में कहते हैं कि समय वर्ते सावधान, है ना। शादी में बैठे हो तो शादी की बातें करो, शादी करवा लो और ख़त्म बात करो, और तृतीय बात करोगे शादी हो मैं करूँ ना करूँ, अभी भूल हो गई, अभी चोरी में बैठ गए, अभी हाथ में मिला दिया, अभी ऐसी चिंता नहीं। जस हो गई शादी, अभी बस खत्म बात करूँ उसको। तो उसी तरह समय जो है वो समय के मुताबिक हमें काम कर लेना चाहिए, है ना। तो ये कलयुग है, कलयुग में भगवान की प्रसन्नता शीघ्र आदि सिख करनी है। तो सिंपल तरीका बताए कि किस कलयुग में मनुष्य का डाउनफॉल बहुत तेजी से है, ऑलरेडी मन और बुद्धि डल हो चुकी है मनुष्यों की, एक ही नहीं सब मनुष्य। तो उसमें प्रोसेस है भगवान के नाम का रटन, बाद में सेवा करो। नाम सेवा पर निर्भरित नहीं है, सेवा नाम पर निर्भरित है। फिर से, नाम सेवा पर निर्भरित नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा भगवान के नाम पर निर्भरित है। आप कोई भी मंत्र बोलोगे तो नाम आएगा, है ना। आपको ब्राह्मण बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जो भी यू नो कृष्णा इमम नमम, या कृष्णा इदम कृष्णाय इदम कृष्णाय इदम नमम इदम नमम, कृष्णा अर्पण, कृष्णा कृष्णा को अर्पण। तो नाम पर सेवा निर्भरित नहीं है, लेकिन सेवा नाम पर निर्भर। इसलिए नाम करोगे चलेगा। हमारे हरिदास ठाकुर आचार्य है, खाली नाम किया, सेवा नहीं, 24 घंटा नाम नाम नाम, नो सेवा। तो हरिदास ठाकुर बड़े आचार्य अपने निजी धाम कृष्ण धाम वापस लौट गए। तो सेवा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन नाम के बिना नहीं चलेगा, नाम करना ही होगा। स्पेशली 16 माला एंड स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र ही, दूसरे मंत्र नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में हरे कृष्ण मंत्र का अनुमोदन है। कलि संतोपनिषद हरे कृष्ण मंत्र का उपनिषद है। ऐसा भागवत गीता सब जगह। तो नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, कलयुग में नाम संकीर्तन। और कोई सवाल? यस, दीक्षा ले ली है, माला नहीं करते हैं, उनकी गति रुक जाएगी, और जब माला शुरू करेंगे फिर से तो गति वहां से शुरू होगी। लेकिन दीक्षा ली ये उनकी क्रेडिट, बहुत बड़ी क्रेडिट है। गुरु उनको ढूंढते हुए जाएगा और हाँ इनकी रुक गई है तो उनका कल्याण मुझे करना ही है। तो वो ना चाहे करे माला, लेकिन अगर गुरु उनके ऊपर प्रसन्न है तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। पिछले दरवाजे से आगे वाले दरवाजे से शायद ना हो, वैकुंठ के पिछले दरवाजे से गुरु अगर चाहे तो, और वो लायकात उनके अंदर है दोनों में, तो पिछले दरवाजे से भी एंट्री हो जाएगी।
लेकिन दीक्षा ये ट्रिक है। यस बट ये कह रही है, अरे ये कह रही है कि माला दीक्षा ली, माला करते थे लेकिन बाद में माला रुक गई, छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु उनको नहीं छोड़ते। लेकिन गुरु को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी ये स्टोरी है, तो गुरु हमारी जवाबदारी लेते हैं। और कोई सवाल? यह आपका सवाल था ना? तो ये तिलक क्या क्या मतलब है? तो तिलक का मतलब है कि ये ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है। ऊर्ध्वपूर्ण इनको कौन सा तिलक कहते हैं? ऊर्ध्वपूर्ण तिलक। ये त्रिपूर्ण है, शंकर भगवान की का जो तिलक है वो त्रिपूर्ण ऊर्ध्वपूर्ण। तो ऐसे 500,000 डिफरेंट काइंड ऑफ तिलक है। बीच में ऐसे ऊर्ध्वपूर्ण करके बीच में कई लोग लाल कुमकुम लगाते हैं। तो लाल कुमकुम में राजा रानी के चरणों का कुमकुम का ये तिलक है। ये गोपी तालाब है, गोपी झील सब गोपी कुंड, गोपी तालाब। लेकिन आप जानते नहीं ना तालाब, तो मैं बोला तालाब एक गुजराती शब्द है ना, तालाब तालाब देर वी गो। तो ये गोपी तालाब की मिट्टी है जहाँ गोपियों ने अपने चरण धोए। कई कहते हैं कि गोपियाँ वहाँ समा गई, वो शायद ट्रू ना भी हो, लेकिन उनके चरणों की रज बिल्कुल सही है। तो ये गोपी तिलक है, ये येलो जो हम लगाते हैं ये गोपी तिलक है। ये सुगंधित बार गोपी तिलक की गोटी आती है, वो गोपी चंदन नहीं है, गोपी तालाब तालाब से निकली हुई मिट्टी का ऊर्ध्वपूर्ण हमें करना चाहिए। ऊर्ध्वपूर्ण तो बीच में एक कृष्ण का मंदिर है, यहाँ कृष्ण का निवास है बीच में। तो ये हम कृष्ण को धारण करते हैं ऊर्ध्वपूर्ण, ये शंकर भगवान का है। और खाली भी येलो बिंदी ये चंडी का भी हो सकता है, अम्बा का, दुर्गा का, सत्या सावित्री गायत्री किसी का भी हो सकता है। लेकिन वैष्णव लोग करते हैं तो वो है राजा रानी का कुमकुम। और कोई सवाल? हाँ जी, हाँ साथ में प्रभुपाद जी का जवाब ये है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि सिंपल ऊर्ध्वपूर्ण तिलक मीन्स मैं कृष्ण का भक्त हूँ, पीरियड, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। यस, तिलक देखे श्री कृष्ण की हमें दूसरों को याद दिलाते हैं। कितने बजे दर्शन है? तो कथा को विराम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दे देंगे क्योंकि प्रसाद और दर्शन दोनों रिसर्च की इन लोगों ने कि दर्शन हो सकते हैं, तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं।